नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम पर्स कंपनी के पेटीएम टी टैप्स के बारे में पूरी जानकारी देंगे और उसके क्यूआर कोड के बारे में पूरी जानकारी। नल के बॉक्स के ऊपर क्यूआर कोड है, उसके उपयोग में कैसे लें। ये क्यूआर कोड क्यों आता है, उसका फ़ायदा क्या है, और क्यूआर कोड को स्कैन करना पड़ता है, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये कुछ इस प्रकार एप्लीकेशन दिखेगी, आपको प्ले स्टोर में अवेलेबल है तो आपको प्ले स्टोर में से मिल जाएगी। कुछ दिखने ये एप्लीकेशन को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। कुछ दिखने के बाद कुछ इस प्रकार देखेगी, क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए ये एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में अवेलेबल है। ये सब पॉइंट मैंने रिडीम करे हुए हैं। ये बैंक ट्रांसफर है। ये प्रोफाइल में जाके आपको सभी आधार कार्ड से लिंक करना पड़ेगा एप्लीकेशन, और ये प्ले स्टोर में अवेलेबल है। और इसे भी और इसको स्कैन करना पड़ेगा क्यूआर कोड इस प्रकार एप्लीकेशन को क्यूआर कोड स्कैन करेगा, हो जाएगा। ये स्कैन हो गया, ये बॉक्स ऑलरेडी स्कैन किया हुआ है, इसीलिए एरर आ रहा है, आपको एरर नहीं आएगा। क्यूआर कोड में 100 पॉइंट हो जाए तभी रिडीम होते, 1 पॉइंट के 3 रुपये देती है कंपनी। इस प्रकार कुछ है। और पर्स कंपनी के पेटीएम के टैप्स के 36 मंथ वारंटी देती है कंपनी, 36 मंथ वारंटी कंपनी देती है। और उसके नल के पिछले भाग में SS निप्पल आती है, इसलिए वो टूटने का कोई डर नहीं रहता। कुछ इस प्रकार निप्पल आती है, ये देखिए, ये SS की निप्पल है, इसलिए वो टूटेगा नहीं पिछले भाग से। दूसरी कंपनी में पिछले भाग से टूट जाता है नल, और नल को कुछ नहीं होता, पिछले हिस्से से टूट जाता है नल। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे।